सभी मित्रों का 500 यात्रा चैनल में स्वागत। आज हम हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए, किसी एक प्रकार के मन का निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को सोल्व करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसे समझेंगे। इससे पहले कि मन का निर्माण की प्रक्रिया देखी जाए, मन का निर्माण के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ हैं उनकी सूची देखी जाए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से जो मनके प्राप्त हुए हैं वो किस प्रकार के प्राप्त हुए हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से इस तरह के मनके प्राप्त हुए हैं। मनका एक प्रकार का आभूषण है जिसे गले में इस्तेमाल किया जाता था, और एक माला है एक तरीके से, जिसमें विभिन्न प्रकार के पत्थरों का और अन्य पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। अब उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कौन कौन से पत्थर होते थे और किनका प्रयोग किया जाता था। देखिए, हड़प्पा में मनके बनाने के कार्य लोथल व चन्हू दड़ों में होते थे। देखो, भारत में मनके बनाने का जो सबसे बड़ा कारखाना था वो लोथल में था, एक तरीके का सबसे बड़ा केंद्र लोथल था, और पाकिस्तान में चन्हू दड़ो था, जो वर्तमान पाकिस्तान है, उस समय भारत ही हुआ करता था। मनके बनाने का मुख्य स्थल थे दोनों, लोथल और चन्हू दड़ो, यही हड़प्पा सभ्यता में कार्य होता था। इसे बनाने के लिए अनेक धातुएं व पत्थर प्रयोग किए जाते थे। देखो, अनेक प्रकार की धातुएं प्रयोग की जाएंगी और पत्थर प्रयोग किए जाएंगे, जिनमें लाल रंग का पत्थर कार्नेलियन जो है इसका प्रयोग किया जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट लाल रंग का जो पत्थर है कार्नेलियन, इसका प्रयोग किया जाता था। मनके बनाने में जैस्पर, स्फटिक, सैलखड़ी, क्वार्ट्ज आदि पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। देखो, कार्नेलियन तो है ही है, लाल रंग का बेहतरीन वाला पत्थर। इसके अलावा जैस्पर, स्फटिक, सैलखड़ी, क्वार्ट्ज आदि पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता था। और धातुओं की बात करें तो तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुओं का भी प्रयोग होता था। देखो, इन सब चीज़ों से मालाएं बनाई जाती थी, एक तरीके से मनके बनाए जाते थे, जिनका प्रयोग हड़प्पा काल में स्त्रियां आभूषण के रूप में करती थी। इसमें सैलखड़ी मुलायम पत्थर था। देखो, हड़प्पा काल से जितने भी उपकरण प्राप्त हुए हैं, जितने भी सामान प्राप्त हुए हैं, सैलखड़ी का प्रयोग लगभग सभी में पाया गया, क्योंकि एक सॉफ्ट पत्थर हुआ करता था जिस पर कार्य करना आसान था। कभी कभी चूना पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था। देखो, सैलखड़ी के साथ साथ चूना पत्थर का भी कहीं कहीं प्रयोग मिलता है। देखो, जिस प्रकार मिट्टी के घड़े बनाने के लिए कुम्हार आजकल पहले कच्ची मिट्टी का बनाते हैं, फिर उसे पकाते हैं आग में, लगभग उसी प्रकार से बनाया जाता था इसे। अब इसकी विधि देखेंगे। मनकों को विभिन्न चरणों में बनाया जाता था। देखो, पहला चरण क्या है, क्योंकि उन्हें कार्नेलियन का लाल रंग प्राप्त करना है, जैसे पत्थर का कार्नेलियन पत्थर का लाल रंग है वैसा ही प्राप्त करना है। उसे प्राप्त करने के लिए मिट्टी को पकाना पड़ेगा, तो कार्नेलियन का लाल रंग प्राप्त करने के लिए पहले कच्चे माल को बनाकर आग में पकाया जाता था। देखो, कच्चा माल बना दिया, कच्चे मोती बना दिए एक तरीके से, और उसे आग में पकाया। इससे मनके जो है वो मजबूत हो जाते थे बहुत। देखो, इससे मनकों को मजबूती मिलती थी, वह उसमें चमक आ जाती थी, चमक आ गई। फिर उसके बाद इसके बाद उसमें जो घिसाई की जाती थी ताकि उसमें पॉलिश चमक आ जाए, यानी कुछ तो चमक पहले ही आ गई है, और उसके बाद उसकी घिसाई भी की जाती है, और घिसाई करके उसमें पॉलिश भी की जा रही है। इसके बाद उसमें छेद करके उसमें धागा डाल दिया जाता था और वो पहनने के लिए तैयार हो जाते थे। इसके बाद उनमें छेद करके इन्हें पहन लिया जाता था। ये विभिन्न प्रकार के होते थे। देखो, अलग अलग प्रकार के मोती होते हैं ना माला में, जिस प्रकार किसी में वर्गाकार मोती होते हैं, किसी में गोल मोती होती है, किसी में थोड़े लंबे मोती होते हैं, तो इस प्रकार के बहुत प्रकार के हुआ करते थे। मैंने आपको केवल एक प्रकार दिखाया जो मिला है, फिलहाल आप इसे नोट कर लेना, सभी को लिख लेना। किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हो, PDF चाहिए तो कमेंट कर देना।